नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी और अहम खबर की। आपको बता दें कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं टली। जी हाँ, स्टेट बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। 8वीं और 9वीं और 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। CBSE की परीक्षाएं रद्द और स्थगित करने के फैसले कुछ घंटे बाद राजस्थान सरकार ने भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इन परीक्षाओं को कब कराया जाएगा, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। आपको बता दें कि CM गहलोत ने 3 घंटे में परीक्षा टालने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पायलट के सुर एक बार फिर बगावती हुए हैं। सचिन पायलट बोले कि 16 कमेटी में जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी उन पर तुरंत कार्रवाई हो, देरी का कोई कारण नहीं बसा, मुझे सोनिया गांधी पर पूरा विश्वास है। सचिन पायलट खेमे के पिछले साल जुलाई में बगावत और फिर अगस्त में हुई 16 के बाद बनी 16 कमेटी की सिफारिशों पर एक्शन टेकन का अब तक इंतजार है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने अब कमेटी में बनी सहमति के बिंदुओं पर तत्काल अमल करने की बात उठाई है। पायलट ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय PCC में मीडिया से बातचीत में कहा है कि कई माह पहले ये कमेटी बनी थी, दुर्भाग्यवश अहमद पटेल का जो स्वर्गवास है वो हो गया और उस पर आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास है कि अब और ज़्यादा विलंब नहीं होगा। जो चर्चाएं की थी और जिन मुद्दों पर आम सहमति बनी थी उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन चोरी होने लग गई है। जयपुर के सरकारी अस्पताल से कोवैक्सीन के 320 डोज चोरी हो चुके हैं। देश में वैक्सीन चोरी का ये पहला मामला सामने आया है, वो भी राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच जयपुर के एक सरकारी अस्पताल से वैक्सीन चोरी होने का मामला सामने आ चुका है। शहर के शास्त्री नगर में स्थित काउंटी अस्पताल से कोवैक्सीन टीके के 32 शीशियां चोरी हो चुकी हैं। एक शीशी वायल में 10 डोज रहते हैं, इस लिहाज से कुल 320 डोज चोरी हो चुके हैं। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि कोरोना पाबंदी पर CM की वर्चुअल मीटिंग। व्यापारी बोले शनिवार और रविवार को लॉकडाउन ठीक नहीं। कर्मचारी नेता का आरोप, कई मंत्रियों का बर्ताव ठीक नहीं। गहलोत ने कहा है कि VC में ऐसी बातें हमें आयोजित नहीं देती। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों से बचने के लिए लॉकडाउन की जगह लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने की तैयारियां असल रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समाज के अलग अलग तबकों और सामाजिक कार्यक्रमों को कम कराने की हिदायत दी है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि शुभ विवाहों में कोरोना का विघ्न। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या घटाने से जयपुर में टेंट के 40% तक बुकिंग रद्द हो चुकी हैं और अप्रैल से जुलाई तक 44 मोर फिर भी हाथ पीले करने से डर रहे हैं परिजन। अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए ब्रज रतन बदला हुआ नाम ने साल भर पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। सोचा कि कोरोना खत्म हो गया है और धूमधाम से शादी मनाएंगे। फरवरी मार्च में सोचा कि अप्रैल में करेंगे ताकि आधिकारिक रिश्तेदारों और मेहमानों को बुला पाएं, लेकिन अब तक शुभ विवाहों में कोरोना का विघ्न हो चुका है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में अब पाबंदियां बढ़ना तय माना जा रहा है। शाम 6 से लग सकता है नाइट कर्फ्यू। शादी में मेहमानों की संख्या 50 तक होगी। मुख्यमंत्री आज लेंगे बड़ा फैसला। राजस्थान में ये व्यवस्थाएं हो सकती हैं लॉक। शादी और दूसरे आयोजनों में 50 से ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं। धार्मिक मेलों, उत्सवों और जुलूस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए ही प्रवेश का विचार किया जा रहा है। बसों और अन्य सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की संख्या जो है 50 से अधिक करने पर मंथन किया जाएगा। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार अब लॉकडाउन की तैयारियां पुरजोर तरीके से कर रही है। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर बिगड़ेगा मौसम। प्रदेश में अगले 2 दिन चलेगी धूल भरी आंधी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर में ज्यादा रहेगा प्रभाव। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार भी मौसम विभाग ने जताए हैं। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। राज्य में 15 व 16 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में तेज अंधड़ चलने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने ऐसे अनुमान जताए हैं। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि छेड़छाड़ की एक ऐसी सजा भूलेगा नहीं। मनसले ने लड़की पर फंसी पपकियां। गांव वालों ने बिजली के पोल से बांध कर पीटा, फिर पुलिस ने बचाया। जोधपुर शहर से ये जुड़ा मामला है। जोधपुर शहर से सटे बोरा नाडा में बुधवार सुबह लड़की को सेना मनसले को महंगा पड़ गया है। जैन मंदिर के पास बुधवार सुबह 8 बजे युवक ने वहां से निकल रही एक लड़की पर फपतियां कस रहा था, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों ने उसको देख लिया, फिर बिजली के पोल से बांध कर पीटा, फिर पुलिस ने उसे मुक्त कराया है।
ये थी राजस्थान की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ, तब तक बने रहो आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।